आतंकी मसूद अजहर को जी बोलने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में देशद्रोह समेत आईपीसी की कई धाराओं में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अलावा लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली में भी राहुल गांधी के खिलाफ तहरीर दी गई है। आपको बता दें कि पुलवामा समेत कई आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को राहुल गांधी ने एक रैली में मसूद अजहर जी कहा था। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आतंकी मसूद अजहर को जी बोलने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत तिवारी की कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने आईपीसी की कई धाराओं में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें देशद्रोह, धर्म, जाति, भाषा के अलावा अलग अलग गुटों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना जैसी कई धाराएं शामिल हैं। वहीं इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई 16 मार्च को करेगा। तमन्ना हाशमी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आतंकवादी मसूद अजहर के लिए सम्मानजनक जी शब्द का इस्तेमाल करके न केवल लोगों की भावनाओं को आहत किया बल्कि पूरे देश का अपमान किया। इसके अलावा लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली में भी राहुल गांधी के खिलाफ एडवोकेट अरविंद द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने देश की जनता की भावनाओं पर कुठाराघात किया है। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह का कहना है कि जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, संस्कार न्यूज़, लखनऊ।